दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वेंद्र सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो पहले 30 मई को होना था, पर कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। अब जो नई डेट आई है वो आई है 22 अगस्त। उसके बाद से मुझे बहुत से बच्चों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं और फेसबुक पर कमेंट आ रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लास्ट HCS का एग्ज़ाम था वो मेरा पहला HCS का एग्ज़ाम था, तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही HCS प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया था। तो मैं उसी के हैसियत से आज आपके सामने स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और आने वाले 2 मंथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैंने SSC के 2 बार मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, CPO के दिए हैं, 1 से ज़्यादा बार मैं सरकारी नौकरी लग चुका हूं, IBPS के दिए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के दिए हैं और यूनिवर्सिटीज़ के मैंने करीब करीब 10-15 एग्ज़ाम्स को निकाला है। और पर मैं अभी मेरी पत्नी के साथ हम लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमने जितनी नॉलेज इस समाज से और शिक्षा के माध्यम से गेन की है उसे हम वापस समाज को लौटा सकें। हम कोई किसी से पैसा नहीं लेते हैं और यह सिर्फ इसलिए यह काम करते हैं क्योंकि हमें लगता है यह आने वाली पीढ़ियों के लिए करने लायक काम है। तो अब देख लेते हैं HCS एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। तो मैं HCS एग्ज़ाम जो पहले मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी उसके लिए सॉरी, 30 मई को पहले होना था। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि हम कोई YouTube चैनल नहीं है या कोई यूट्यूबर नहीं है कि हम अपना सब्सक्राइब बेस बढ़ाना चाहते हैं या हमारा व्यू टाइम बढ़ाना चाहते हैं या हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि YouTube एक अच्छा मीडियम है, सभी बच्चों से आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है और कोई भी कहीं पर हमें देख सकता है, सुन सकता है और हमारी बातों को फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए हम YouTube के माध्यम से अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं। अब जो HCS एग्ज़ाम होगा वो 22 अगस्त को होगा। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था इस दौरान पर मेंस एग्ज़ाम हुआ था और मेरा 19 अगस्त को ख़त्म हो गए थे। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। मैं इस वीडियो में उसकी जो मार्कशीट थी उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो भी एग्ज़ाम होता है उसका कुछ काम होता है, वो किसी पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, कोई पोस्ट होती है और उस पोस्ट से जुड़ा हुआ कुछ नेचर ऑफ वर्क होता है, ठीक है। जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसी के हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे उसका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो या सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हो या थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू हो, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी भी स्टेट का जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है वो उनकी उसकी हाई सर्विस होती हैं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती हैं, इनमें कैंडिडेट्स को, इनमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। हमारे इंडिया में ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज और ग्रुप डी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस क्या हैं? पहली बात तो सैलरी के हिसाब से डिफरेंस है और दूसरा पावर के हिसाब से डिफरेंस है। तो अब ये ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए HCS का एग्ज़ाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी का नेचर ऑफ वर्क क्या है? बेसिकली 2 काम रहते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई एक्ट पास किया, वो कानून बन गया और उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है एज ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो सकता है, ब्लॉक के लेवल पे हो सकता है, किसी डिवीज़न के लेवल पे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या काम रहता है? डिसीजन मेकिंग का काम रहता है। सपोज कीजिए आप DSP हैं और हाल फिलहाल में
किसान एजिटेशन चल रहा है, फार्मर्स मूवमेंट चल रही है, और फार्मर्स आपके सामने खड़े हैं, पुलिस भी सामने खड़ी है, बीच में बैरिकेड है। अब आपको वहाँ कैसा एक्शन लेना है? क्या आप लाठीचार्ज करेंगे, बातचीत करेंगे, या फिर कोई टीयर गैस शेल होगा? तो वो सब एक्शन लेना होता है, वो आपके हाथों में होगा, ठीक है। कई बार आपके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं आपके ऊपर, जैसे डीएसपी साहब के ऊपर, डीएसपी मैम के ऊपर, एसपी होंगे, वो भी एक्शन लेते हैं, तो आपको उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो इसका सबसे मेन काम रहता है, पॉलिसी मेकिंग में स्टेट कैबिनेट है और जो राज्य की सरकार है, वो कैसी पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का बहुत वेलफेयर हो, ठीक है, उसके लिए उनको पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस करना, सजेस्ट करना, गाइड करना, ये सब बेसिकली इन पोस्ट के काम रहते हैं। तो जब ग्रुप ए और ग्रुप बी के मेन मेन काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, सजेशन, गाइडेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो एक बात क्लियरली निकल के आती है कि इन जो जॉब का नेचर ऑफ वर्क है वो पॉलिसी रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। पॉलिसी जैसे कोई मनरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब पॉलिसीज़ के काम है, या प्रेजेंट में 3 फार्मर बिल्स हो गए, ठीक है। तो जब इन जॉब्स का जो नेचर ऑफ वर्क है वो ऐसा है कि पॉलिसी आपने बनानी है, या पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करवानी है, या पॉलिसी पे गाइड करना है, तो इस जो पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। तो पेपर में आपसे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 22 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट फेज है, वो प्रीलिम्स है। इसमें 2 पेपर होंगे, एक जीएस जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का, और दूसरा होगा एप्टीट्यूड के लिए सी सेट का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। पहले इसके मार्क्स भी काउंट होते थे, इसके मार्क्स भी काउंट होते थे, और जो टोटल मार्क्स बनते थे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती थी, और वो बच्चे एचसीएस प्रीलिम्स को क्लियर करते थे। अब की बार पैटर्न चेंज हो गया है, जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा, अभी यहीं पर बात करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स पर स्टिक करते हैं। तो अब की बार ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो हम इसी एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे जीएस के अभी की वीडियो में। ऐसा नहीं है कि सीएस सी सेट जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो जो मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करते थे, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो कई बच्चे ऐसे थे जिनका जीएस में अच्छा मार्क्स था और सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता था। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, मैथ्स पे, इंग्लिश के सेक्शन पे, इंग्लिश में स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स जो आपकी रहती हैं, रीजनिंग पे ध्यान देना है, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। कितने परसेंट मार्क्स पे क्वालिफाइंग है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब जीएस इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तय होगी। पहली बार हम सुनते हैं, जो बच्चे पहली बार किसी ऐसे लेवल ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो घबराएं नहीं, एग्ज़ाम सच में बहुत इजी है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक क्लियर स्ट्रेटजी चाहिए होती है, और डेडिकेशन चाहिए होता है, और डिसिप्लिन चाहिए होता है, और ये क्लियर हो जाता है, सच में कुछ बड़ी बात नहीं है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रही है वो मेरी अपनी रही है, उससे आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, पर यह युद्ध आपका है, आपको लड़ना है, आपके तरीके से लड़ना है। जैसे गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह महाभारत आपकी है, तुम्हारी है, तुम्हें इसे लड़ना है, मैं आपका सारथी बन रहा हूँ, पर मैं आपके साथ अंत तक बना रहूँगा। अब देखिए जीएस, जीएस में आपने सुना होगा कि इसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, कहाँ से करें क्या करें, ऐसी बात नहीं है। सिलेबस वास्ट है, नो डाउट, बट कुछ की कंसेप्ट्स रहते हैं, उनके हिसाब से आपकी तैयारी आगे आगे चलती है, और वो की कंसेप्ट्स किसी ना किसी टॉपिक पर अप्लाई होते हैं और आपका आंसर निकल आता है। तो एचसीएस प्रीलिम्स जो 100 मार्क्स का होने वाला है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे, जो आपकी नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग है।
फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जो सबको आते होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड। आप एक बार जो लास्ट HCS के प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहां से आते हैं। बट इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको ये मानकर मत चलिए कि वो प्रोटोटाइप है, कि ऐसे ही आएंगे। आपको तैयारी बिल्कुल हाई लेवल की करनी है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के बीच में कब लड़ाई हुई, बैटल ऑफ घाघरा किसके बीच में हुई, बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच में हुई, ठीक है। इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, रुमन देवी इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, उड़ीसा में जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वो किसने बनवाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। या ज्योग्राफी में बात करें कि लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री कौन सा है, इंडिया का प्लेस कौन सा है, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में बात करें, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट में बात करें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, बोन कन्वेंशन कब हुई, ठीक है, IUCN क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें, हरियाणा में भीम अवार्ड किसे मिला है, हाल ही में स्वीटी बुरा ने जो मेडल जीता है वो किस में जीता है, स्वीटी बुरा किस गेम से संबंधित है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये अमूमन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उन सबको ही आते होते हैं। ये अगर आपको आते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये अगर नहीं आते हैं तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेट है ये। अगर यहाँ गलती तो आपका ही। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन और इसके बाद थर्ड टाइप क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2016 में, तो सब मुझे बोलते थे कि NCERT पढ़िए, ठीक है। तो तब समझ में नहीं आता था कि क्यों NCERT पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और NCERT ही क्यों पढ़नी है, इसको मैं आगे अभी डील करूँगा। तो अब जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कहाँ से सोल्व होंगे, वो आपने जो इन्फॉर्मेशन बुक से गेन की है उसका एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसमें सर्दियों में बारिश क्यों होती है, गर्मियों में क्यों नहीं होती, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। या ज्योग्राफी में ही बात करें कि मिड लेटीट्यूड्स में वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, या और हम ज्योग्राफी की बात करें कि जो वोल्केनो है, जो रिंग्स ऑफ फायर है, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, वहीं पर क्यों वोल्केनो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो एंडिस पर्वत हैं उसमें हमें वोल्केनो देखने को मिल रहे हैं, जैसे माउंट कोटापेक्सी हो गया, बट हमें हिमालयस में ऐसे वोल्केनो देखने को नहीं मिल रहे। अब आपने फैक्ट पढ़ लिए हैं, NCERT पढ़ लई हैं, उस पर आपको इन कंसेप्ट को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने ली है, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, टफ क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो कोई बात नहीं है, बट आते हैं तो आप डेफिनेटली एक एज पर हैं, ठीक है। तो सारा एग्जाम का खेल सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, फैक्ट तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन में यह है कि निकल जाए तो निकल जाए, ना निकले तो ना निकले, इसके लिए इतना बोदर नहीं करना है। ये 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और उसके बाद जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है वहाँ 5-7 क्वेश्चनों में डाउट आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, सच बताऊँ तो ईमानदारी की बात, मुझे जो पिछला HCS प्रीलिम्स हुआ था उसमें 90-92 क्वेश्चन आते थे, डेफिनेटली आते थे, मैं बिल्कुल 100% ईमानदारी से कहता हूँ। बट मैंने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, उसमें मैंने 80 अटैम्प्ट किए थे, और जो मैंने अपना कैलकुलेशन किया था उसमें मेरे मार्क्स 77 बन रहे थे, ठीक है।
मैंने 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, वो एग्जाम प्रेशर की वजह से, हाई कहीं गलत ना हो जाए, गलत हो गया नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और मैं बाहर हो जाऊंगा। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, बेवजह तुक्के नहीं मारने हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। कोई 4-5 तुक्कों में से एक लग जाएगा और बेवजह जो आते हैं वहाँ से नंबर कट जाएंगे और आप डेफिनेटली बाहर हो जाओगे। तो कोई भी तुक्का नहीं मारना है, कुत्ता बिल्ली का कोई खेल नहीं है, आता है तो करना है, नहीं आता है छोड़ देना है। बाद में जितने टाइम बचता है तो फिर एक राउंड दूसरा लेना है और जहाँ जहाँ डाउट है उसको कर लेना है अगर आता है तो, बेवजह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब सारी बात आती है जीएस की तैयारी की, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे और इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है।